कल प्रकाश महाजन मन से नेता, इन्होंने एक बयान दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना का फायदा न मिले, क्योंकि मुसलमानों को दो बीवियां होते हैं, चार बीवियां होते हैं, इनके चार पांच बच्चे होते हैं, तो इनका फायदा मुसलमानों को न मिले, ऐसा उनका कहना है। तो मैं प्रकाश महाजन को कहना चाहता हूँ, ये जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, इसका जो लाभ महिलाओं को मिलने वाला है, वो सभी हिंदू मुस्लिम मागास वर्गीय सभी जात की महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है। और तुम जो कह रहे हो कि मुसलमान महिलाओं को इसका लाभ ना मिले, तो साहब ये जो पैसा है जो देने वाली है गवर्नमेंट, ये जनता के टैक्स का पैसा है, और ये टैक्स मुसलमान भी भरते हैं, सभी जात के लोग टैक्स भरते हैं, और सभी जात को इसका फायदा मिलना चाहते हो। और जो भी जातिवाद लीडर है, जब भी मुंह खोलता है नफरत की भाषा करता है और नफरत फैलाने का काम करता है। प्रकाश महाजन साहब, मैं प्रमोद महाजन को अपना फेवरेट नेता मानता था, मैं खासकर विजय चौक में जाकर उनका भाषण सुनता था, उनको गॉड गिफ्ट थी, उनको एक पकड़ थी, वक्ता एक अच्छे वक्ता थे वो, तो मैं उनका फैन था। उनका जो मर्डर हुआ वो किसी मुसलमान ने नहीं किया, बल्कि उनके अपने सगे भाई ने किया। आप भी उनके सगे भाई हो, जब भी मुंह खुलना है तो सोच समझ कर बात करना चाहिए कि किसको आप क्या कह रहे हैं और किसको क्या नहीं कह रहे हैं। बात करते हैं तो सिर्फ चार मुद्दे पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही जातिवाद, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। अरे जब सभी समाज सक्षम होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। और मैं खासकर हमारे उन मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ जो अपनी जकात निकालते हैं, सोलापुर शहर से, अकेले सोलापुर शहर से 50 से 60 करोड़ रुपए की जकात सोलापुर से निकलती है। तो हम ये पैसा अगर सही तरीके पर अगर खर्च करते हैं तो मुसलमान में कोई भी योजना लेने लायक नहीं रहेगा, सब सक्षम होंगे, सब अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये हमारी जकात जाती कहाँ है? इस जकात से हम कई मुसलमानों का फायदा कर सकते हैं, लेकिन हम ये जकात कहाँ देते हैं किसी को नहीं मालूम। एक अच्छी कमेटी बनाकर ये जो 50-60 करोड़ रुपये है, इससे हम अच्छे कॉलेजेस खोल सकते हैं, हिजाब का मुद्दा भी नहीं रहेगा, हम मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग खोल सकते हैं, और आज सबसे जरूरत मुसलमानों को है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। हम लोगों के दरवाजे पर जाकर डरते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन दो, अगर हमारी एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगी, हमको जमाने के साथ चलना है, आज इंग्लिश जरूरी है, कहीं भी जाओ अंग्रेजी जरूरी है, तो इसके लिए हम अपनी जकात का पैसा हम अपने समाज पर खर्च करेंगे तो समाज का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और ऐसे लोग जो हम पर ताने कस रहे हैं कि इनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, हमको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।